हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टाइम कुछ हो गया 8:18, और 3-4 मिनट में ही मैं बता देता हूँ। मेरे को नहीं लगता मार्केट में कुछ आज होगा। इनफैक्ट वर्ल्ड मार्केट में ही कुछ नहीं हो रहा है, शायद ट्रेडिंग होना ही बंद हो गई है। कोई ये यूएस फ्यूचर आप देखेंगे 33,380 का इंडेक्स है। कल ये 50 पॉइंट के ऊपर नीचे घूमता रहा। लो इसका 248 रहा और फिर ऊपर आके 320 के, उसमें इसने अपने आप को बंद कर दिया। तो कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है, ठीक है। और जर्मनी का मार्केट देखो आप, 0.004%। यूएस अपना यूके का मार्केट 0.013%। फ्रांस का मार्केट 0.31%। निक्के 0.25%। हैंगसेंग बढ़ रहा है क्योंकि हैंगसेंग कन फालतू में डाउन हो गया था बिना मतलब। तो कहीं कुछ है ही नहीं, और ना ही मेरे को लगता है अपने मार्केट में आज कोई मूवमेंट रहेगी, ठीक है। जहाँ ये 10:15 बजे होगा, 3:15 बजे भी शायद आपको वहीं मिलेगा। फिर भी क्योंकि मैं बिजी रहूँगा गाइस, आज मैं कोई अपडेट नहीं दे पाऊँगा। मुझे नहीं लगा ना मेरा मार्केट देखने का मन है, तो मेरे जो पेंडिंग वर्क्स हैं मैं उनको निपटाऊँगा, और मैं कोई ट्रेड पर्सनली नहीं करूँगा। बीच में एक दो बार जरूर स्क्रीन देखूँगा, उसमें अगर मुझे कुछ ऐसा नज़र आता है कि अच्छा ये क्या हो रहा है भाई, तो पक्का वीडियो बना के आपके लिए बताऊँगा और फिर खुद भी ट्रेड करूँगा। तो एक चीज़ आप नोट कर लो, अगर 880 के नीचे रहता है, 880 के नीचे अगर मार्केट रहता है तो शॉर्ट कर देना। ऐसे लगाना 880 के ऊपर ही कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज ना हो जाए, ठीक है। बाय करना 960 के ऊपर, ऐसे लगाना फिर कोई भी 5 मिनट की कैंडल 950 के नीचे ना क्लोज हो जाए। ये दो लेवल आप याद रखो, और हाल तो ना करो, पेपर ट्रेड करके देखोगे सीख तो अच्छा लगेगा आपको। आज सीखने का दिन है, स्टॉक स्पेसिफिक देखो, किसी भी स्टॉक को पकड़ो, ठीक है। आज सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ आपको, अगर आपको कुछ सीखना है, आप अपने हिसाब से कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर सोच रहे हैं, कोई भी एक स्टॉक पकड़ो जिस जो 400-500 का हो, ठीक है, जो 400-500 का हो जिसमें मूवमेंट भी रहता हो। एक ही स्टॉक को बाय सेल करते रहो, ठीक है, आपको पक्का कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। ये आप ट्राई कर सकते हैं, लर्निंग में दिन लगाइए, ट्रेडिंग पर्पज से कुछ ना करें। मेरे को नहीं लगता मार्केट में कुछ होगा। 30-40 पॉइंट आप अगर ले सकते हैं तो ले लीजिएगा, वो आपको 880 के नीचे सस्टेन होने पे मिल जाएंगे। और बाई साइड में 930 से 960 का जोन है, वो पार होगा तो एक अच्छी खासी तेजी आपको मार्केट में मिल सकती है, बट मेरे को ऐसा लगता नहीं है। और आपके पास 2-2.5 लाख रुपए हैं, 2 लाख तो ऑप्शन राइट करके पैसा बना सकते हैं। मूवमेंट मेरे को नहीं लगता है पर्सनली आज कोई मूवमेंट होगी मार्केट में। दैट्स इट, ध्यान रखिए, ये कोरोना वायरस, इसके जो अपडेट वगैरह आ रहे हैं, ये सब वगैरह आ रहे हैं, जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता, अगर मार्केट को नीचे भी जाना है तो मार्केट उसके बाद ही नीचे जाएगा, या फिर कोई बिल्कुल ही सीवियर न्यूज़ आती है, ड्रास्टिक कुछ चेंजेस होते हैं तो मार्केट करेक्ट करेगा, अदरवाइज मार्केट फंस चुका है। ये मार्केट क्या, पूरी दुनिया का मार्केट ही फंस चुका है, कोई डिसीजन ले ही नहीं रहा है कोई, ठीक है। अदरवाइज आई हैव नेवर सीन बैंक निफ्टी कि वो 10:30-11 बजे के बाद कोई मूव ही ना दिखाए कंटिन्यूसली फॉर 2 डेज, ठीक है। अदरवाइज बैंक निफ्टी 1-1% तो नॉर्मली ही मूव कर जाता है यार, नॉर्मली ही मूव कर जाता है वो 1-1%। तो ध्यान रखिएगा, अपने पैसे को बचाइए, अपने पैसे को सेव करके रखिए, एंड लर्न कीजिए। वो ये लेवल पे ध्यान रखिए, आई विल नॉट क्या कहते हैं अवेलेबल, ठीक है। टू अपडेट यू गाइस, और आज अपडेट करने लायक मुझे कुछ लग भी नहीं रहा, जो मैंने अभी बता दिया वही फाइनल रहेगा। बाकी कुछ अगर दिखता है तो मैं डेफिनेटली वीडियो बना के बताऊंगा। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, अपने पैसे को बचाइए और लर्न कीजिए।